नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे स्किन गाइनर चैनल में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो कि अपने इस चैनल पर अभी विषाणु जनित त्वचा रोगों की सीरीज चल रही है। दोस्तों, उस सीरीज का आज हमारा तीसरे नंबर का रोग होगा, जो कि हर्पी सिंप्लेक्स रोग होगा, जिसको हम हिंदी में सरल परिसर्प या फिर सरल हर्पीज रोग के नाम से जानते हैं। दोस्तों, इससे पहले हमारे दूसरे नंबर का रोग था जो कि हर्पी जोस्टर रोग था। इसके बारे में हमने विस्तार से बताया था आपको, उसके बारे में हमने संपूर्ण जानकारी भी आपको दी थी। तो दोस्तों, अब हमारा उस सीरीज का तीसरे नंबर का रोग है जो कि हर्पी सिंप्लेक्स रोग है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम हर्पी सिंप्लेक्स रोग के बारे में विस्तार से जानेंगे। दोस्तों, हम जानेंगे इस रोग में, इस रोग के परिचय के बारे में, इस रोग के कारण के बारे में। अगर किसी व्यक्ति को यह रोग हो जाता है तो उसमें उस व्यक्ति में क्या क्या लक्षण देखने को मिलते हैं, तो उसके लक्षणों के बारे में और साथ ही इस रोग के संपूर्ण ट्रीटमेंट के बारे में। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरा आपसे एक ही निवेदन है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को दबा देना, ताकि अपने इस चैनल पर जो भी नया वीडियो आएगा तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम हर्पी सिंप्लेक्स के परिचय को समझते हैं। दोस्तों, ये रोग त्वचा के ऊपर पानी से भरे जल स्पॉट या घाव या छाले जैसी संरचनाओं के रूप में होता है। यानी कि इंसानों के शरीर पर जो त्वचा होती है, उस त्वचा के ऊपर वेसिकल्स, घाव या फिर छाले जैसी संरचनाएं बन जाती हैं। ये रचनाएं त्वचा के संगम स्थानों पर जैसे होंठ या नाक के पास या आँख पर बनाती हैं। दोस्तों, यहाँ पर मैं संगम का ये बात बता दूँ आपको कि हमारे शरीर के दो अंगों की त्वचा जब जहाँ पर एक दूसरे से मिलती है, उस स्थान को हम संगम या पुरुष स्थान को हम संगम त्वचा के नाम से जानते हैं। तो ऐसे स्थान पर यह रोग सबसे ज़्यादा होता है। दोस्तों, आगे बात करते हैं इसके परिचय में। इस रोग का इलाज नहीं कराएं तो ये अपने आप ही ठीक हो जाता है, लेकिन कुछ दिनों बाद यह रोग पुनः आ जाता है। दोस्तों, इस रोग की ये सबसे बड़ी समस्या है, अगर इस रोग के ट्रीटमेंट को अगर हम प्रॉपर नहीं लेते हैं तो ये रोग अपने आप ठीक तो हो जाता है, लेकिन जब दोबारा होगा तो जो पहले जो सामान्य स्थिति से होता है, लेकिन उसके बाद में अगर ये रोग होगा तो बेहद ही घातक स्थिति में ये रोग होता है। और दोस्तों, मैं आपको इसमें बता दूं, अगर एक स्थान पर यह रोग हो गया है तो उस स्थान पर यह रोग दोबारा नहीं होता है, उसके दूसरे स्थान पर यह रोग होता है, और दूसरी बार अगर आपको ये रोग होगा तो बहुत ही घातक रूप में होता है। तो दोस्तों, ये तो रही हमारे हर्पी सिंप्लेक्स रोग के परिचय के बारे में। अब जानते हैं इस रोग के हम कारण के बारे में। दोस्तों, हर्पी सिंप्लेक्स रोग या फिर सरल परिसर्प रोग का मुख्य कारण, ये रोग मुख्यतः हर्पी सिंप्लेक्स वायरस टाइप 1 यानी कि HSV-1 के द्वारा यह रोग होता है। यानी कि अगर किसी व्यक्ति को हर्पी सिंप्लेक्स वायरस टाइप 1 का अगर संक्रमण होता है तो उसके शरीर पर आँखों के आसपास, होंठों के आसपास या फिर उसके जैसे भी कोई भी खुला अंग है, उस पर जब वो हर्पी सिंप्लेक्स वायरस टाइप 1 का संक्रमण होता है तो वहाँ पर इससे संबंधित रोग होता है। अगर किसी व्यक्ति को उसके गुप्तांगों या फिर जननांग इस रोग का टाइप 1 नहीं होता है, वहाँ पर इस रोग का टाइप 2 होता है, यानी कि हर्पी सिंप्लेक्स वायरस टाइप 2 होता है, जिसको हम शॉर्टकट में HSV-2 बोलेंगे। तो दोस्तों, ये बस इसमें यही सबसे बड़ा कारण है, अगर किसी व्यक्ति के खुले स्थानों में ये रोग होता है, जैसे मुंह, नाक के आसपास क्षेत्रों में या फिर उसके गालों के आसपास क्षेत्रों में होता है, तो वहाँ पर वायरस टाइप 1 होता है। और अगर किसी व्यक्ति के गुप्तांगों और जननांगों में अगर ये रोग होता है तो वहाँ पर वायरस टाइप 2 होता है। तो दोस्तों, यहाँ पर इन्हीं वायरस के संक्रमण के कारण यह रोग होता है। दोस्तों, आगे बात करते हैं कि ये रोग वायरस जनित रोग है, तो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्तियों में भी ये रोग होना एक स्वाभाविक बात है। तो दोस्तों, ये रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्तियों में कैसे फैलता है? अगर किसी व्यक्ति को गुप्तांगों से संबंधित रोग हुआ है या फिर उसके होंठों से संबंधित यह रोग हुआ है, तो जब कोई पुरुष स्त्री के साथ में अगर कोई संभोग क्रिया करता है या फिर कोई मैथुन क्रिया करता है, तो अगर पुरुष को ये रोग है तो स्त्री को हो जाएगा, और अगर स्त्री को ये रोग है तो फिर पुरुष को हो जाएगा। इस प्रकार एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भी ये रोग फैलता है। तो दोस्तों, ये तो रही हमारे हर्पी सिंप्लेक्स रोग के कारण के बारे में। अब बात करते हैं, अगर किसी व्यक्ति को यह रोग हो जाता है तो उसमें हमें क्या क्या लक्षण देखने को मिलेंगे। तो आइए दोस्तों, जानते हैं इसके लक्षण के बारे में। दोस्तों, हर्पी सिंप्लेक्स के लक्षणों में हमारा सबसे पहला लक्षण है, इस रोग में त्वचा पर एकदम से कई सारे पानी से भरे फफोले हो जाते हैं।
दोस्तों इसमें दूसरा लक्षण है, ये फफोले फूटने के बाद उस स्थान की त्वचा पर कई सारे छोटे छोटे अल्सर या फिर घाव बना देते हैं। दोस्तों इसमें अगला लक्षण है, ये रोग ज़्यादातर इंसानों के होंठ यानी कि लिप्स, आँखों के आसपास और गुप्त अंगों में सबसे अधिक होता है। दोस्तों इसमें अगला लक्षण है, कभी कभी इस रोग में व्यक्ति को थकावट, बेचैनी और उस व्यक्ति को बुखार यानी कि फीवर भी आ जाता है। दोस्तों अगला लक्षण होगा, अल्सर या घावों के चारों ओर यानी कि जो फफोले फूटने के बाद में वहाँ पर जो अल्सर या फिर जो घाव बन गए हैं तो वहाँ पर उनके आसपास सूजन हो जाती है और साथ ही सूजन होने के साथ साथ उन अल्सरों में बहुत ही तेज दर्द होता है। और दोस्तों मैंने पूर्व में ही आपको बता दिया था कि HSV-2 के द्वारा जननांगों और गुदा की त्वचा पर इस रोग का संक्रमण हो जाता है। तो दोस्तों ये तो रही हमारे हर्पीस सिंप्लेक्स रोग के लक्षण की बात, अब बात करते हैं इस रोग के संपूर्ण ट्रीटमेंट के बारे में। दोस्तों हर्पीस सिंप्लेक्स या फिर सरल परिसर्प के ट्रीटमेंट करने से पहले या फिर मैं इसके ट्रीटमेंट बताने से पहले मैं आपको एक विशेष बात बता दूं। दोस्तों अगर आप सामान्य व्यक्ति हो तो दोस्तों इसका ट्रीटमेंट जो मैं बता रहा हूँ इस ट्रीटमेंट को आपको अपने घर पर नहीं करना है, क्योंकि दोस्तों ये एक बहुत ही घातक रोग है और इस रोग की पुनरावृत्ति बार बार होती रहती है। इसलिए मेरा बस आपसे एक ही सलाह है कि आप को अगर किसी व्यक्ति को ये रोग होता है तो उसका जो ट्रीटमेंट है वो डॉक्टर की निगरानी या फिर डॉक्टर के कंसल्टेशन से ही कराना होता है। और दोस्तों अगर आप एक प्रैक्टिशनर हो या फिर अगर आप मेडिकल स्टूडेंट हो तो दोस्तों इसका जो ट्रीटमेंट है उस ट्रीटमेंट को आपको उस पेशेंट को प्रॉपर देना होता है। उस रोगी को प्रतिदिन या फिर 1 या 2 दिन छोड़कर उस व्यक्ति को आपको रेगुलर बुलाना है और उसको मॉनिटरिज करना है और उसको रेगुलर दवाइयाँ देना है। और दोस्तों इसमें क्या क्या दवाइयाँ देना है वो हम इसके ट्रीटमेंट में आगे पूरी संपूर्णता से जानेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम इसमें जो ट्रीटमेंट करेंगे वो मैं आपको बता दूं। सबसे पहला ट्रीटमेंट इसमें रहेगा, इस रोग में अगर इलाज ठीक से नहीं लिया तो ये रोग बार बार यानी कि पुनः हो जाता है और इस रोग की पुनरावृत्ति को रोकना एक चुनौती है, क्योंकि ये रोग एक ऐसा रोग है इसमें जो वायरस है वो दब जाता है, उसके बाद में फिर अनुकूल परिस्थितियाँ पाता है और उसके बाद में ये पुनः हो जाता है। इसलिए पेशेंट को इसमें प्रॉपर ट्रीटमेंट और उसको प्रॉपर मॉनिटरेज करना भी यदि ज़रूरी होता है। अब दोस्तों अगले ट्रीटमेंट के बारे में बात करते हैं, इसमें जो जलस्फुट हो गए हैं उन जलस्फुटों को हम ईतर को हम रुई के पाले में भिगोकर उन जलस्फुटों को अच्छी तरीके से साफ करते हैं। दोस्तों ईतर को लगाने से पहले मैं आपको इसमें एक विशेष बात बता दूं कि ईतर को अगर हम अपने जलस्फुटों पर लगाते हैं या फिर विच्छिप्तियों पर लगाते हैं तो वहाँ पर बहुत ही तेज जलन होती है। तो इसलिए ईतर को लगाने से पहले एक लिग्नोकाइन आता है लोकल एरिया को सून करने के लिए, तो सबसे पहले उस लिग्नोकाइन को आपको उस पर लगाना है, उसके बाद में फिर आपको ईतर के द्वारा रुई के पाले से उन छालों या फिर विच्छिप्तियों को साफ करना है। दोस्तों तीसरे ट्रीटमेंट में हम बात करते हैं, यहाँ पर अगर शुरुआती संक्रमण हुआ है यानी कि अगर किसी व्यक्ति को पहली पहली बार ये हर्पीस सिंप्लेक्स रोग हुआ है तो उस व्यक्ति को हम इसमें एक टेबलेट एसीक्लोविर, दोस्तों मैं यहाँ पर बता दूँ जो एसीक्लोविर जो टेबलेट जो ड्रग है वो हमारा एक एंटीवायरल ड्रग है। तो दोस्तों अगर किसी व्यक्ति को सबसे पहली बार ये रोग हुआ है तो उसको हम एसीक्लोविर 200 mg 4 से यानी कि एक दिन में 4 से 5 बार लगभग 7 से 10 दिन तक देते हैं। उसके बाद में दोस्तों अगले ट्रीटमेंट में बात करते हैं, इसमें एक ऑइंटमेंट यानी कि जैसे हम जो टेबलेट तो उस पेशेंट को दे ही रहे हैं एसीक्लोविर 200 mg, तो इसके साथ साथ में उन जो छाले हो गए या जो घाव हो गए उनके ऊपर लगाने के लिए हम जहाँ पर क्रीम या फिर ऑइंटमेंट एसीक्लोविर 5% को दिन में 3 बार लगभग 7 से 10 दिन ही लगाना होता है। और दोस्तों अगले ट्रीटमेंट बात करते हैं, अगर रोग की पुनरावृत्ति हुई है, याद रखिएगा दोस्तों एक बार ये रोग ठीक हो गया और ठीक होने के बाद में ये रोग पुनः हो गया है तो फिर उसके बाद में आपको क्या करना है कि जो हम 200 mg की टेबलेट हमने पहले चलाई थी तो उसका हमको डबल डोज कर देना है। तो जिसमें हमारा वही एसीक्लोविर चलेगी, तो एसीक्लोविर 400 mg दिन में 4 बार लगभग 10 से 12 दिन तक देना होता है। 10 से 12 दिन नहीं, आप तो 3 दिन और बढ़ा दीजिए यानी कि 15 दिन तक उस व्यक्ति को दीजिएगा। अगले ट्रीटमेंट में बात करते हैं दोस्तों, अगर रोग तीव्रता से हुआ है, तीव्रता मतलब बहुत ही घातक रूप से हुआ है, तो तब हम जहाँ पर टेबलेट एसीक्लोविर 800 mg यानी कि जहाँ पर हमारा 400 से सीधा डबल और डोज हो गया, तो 800 mg रोज 4 बार लगभग 5 से 6 दिन तक देते हैं। उसके बाद में दोस्तों अगर उस व्यक्ति को जैसे उसने नॉर्मल अपने नाखूनों से अगर उसको खुजला लिया है, उसके आसपास
खुरट बन गया, यानी कि उसमें सेकंड इन्फेक्शन हो गया। तो उस सेकंड इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए हम जहाँ पर 2% मुपीरोसिन क्रीम या फिर ऑइंटमेंट को दिन में 2 बार लगभग 7 से 10 दिन तक लगाते हैं। और दोस्तों यहाँ पर अगले ट्रीटमेंट बात करते हैं, अगर HSV-2 का संक्रमण हुआ है तो ससर्ग करने वाले सभी सहभागियों का निदान एक साथ करना चाहिए, चाहे उसे ये रोग हुआ हो या ना हुआ हो। दोस्तों मैंने पूर्व में आपको बताया था, जहाँ पर जो HSV-2 वायरस जो होता है वो ज़्यादातर अगर किसी व्यक्ति के गुप्त अंगों, गुदा मार्गों में या फिर जननांगों में अगर ये रोग होता है तो वहाँ पर HSV-2 का वायरस का संक्रमण होता है। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को संभोगी या फिर मैथुन क्रिया के द्वारा होता है। तो अगर किसी पुरुष को हुआ है और उस स्त्री को ये रोग नहीं हुआ है, अगर उस पुरुष ने उस स्त्री के साथ में संभोग क्रिया की है तो उस स्त्री का भी ट्रीटमेंट इसमें साथ में चलाना होता है। चाहे तो उस स्त्री में इस रोग के लक्षण दिख रहे हों या ना दिख रहे हैं, लेकिन ट्रीटमेंट आपको एक साथ ही चलाना होता है। दोस्तों अगले ट्रीटमेंट बात करते हैं, अगर दर्द ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि दोस्तों इसमें जो फफोले पड़ जाते हैं फूटने के बाद में उसके आसपास में जो फफोले होते हैं, जो वो जो जल स्पॉट होते हैं या फिर जो अल्सर होते हैं उनके आसपास सूजन हो जाती है, और सूजन होने के साथ साथ में उनके जो छाले होते हैं उनमें बहुत ही तेज़ दर्द होता है। तो दोस्तों उन दर्द को कम करने के लिए हम जहाँ पर कोई भी एनाल्जेसिक मेडिसिन चला सकते हैं। एनाल्जेसिक मेडिसिन हमको जहाँ पर कोई भी जैसे 400 से 600 mg लेना है, जो कि दिन में हमको 2 बार चलाना होता है। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया हो। दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर, आपके जो दोस्त हैं उनको भी इस रोग के बारे में पता चल सके। और दोस्त आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिया करो दोस्तों, क्योंकि आप जब चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो मेरा एक भी सब्सक्राइबर अगर बढ़ता है तो मुझे अंदर से मोटिवेट आता है कि मैं आपके लिए और इससे भी अच्छे अच्छे टॉपिकों पर वीडियो लेकर आऊँ। तो प्लीज़ एक विशेष आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और साथ ही बेल आइकन को दबा देना, ताकि अपने इस चैनल पर जो भी त्वचा से संबंधित जो भी वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है।